बढ़ना पसंद था, लेकिन 70 साल की उम्र में उन दोनों लुटेरों ने मेरे पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया। कितनी पुलिस के खिलाफ हो, मैंने पुलिस को कह दिया था कि पुलिस के हाथ में ऐसी हथकड़ी कोई नहीं है। बाबा के ऊपर लगा रेप का आरोप, बाबा की चुनौती, अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करो। जी हाँ, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की मानगढ़ में हुई सभा में जनसैलाब देखने को मिला, तो दूसरी तरफ बाबा ने भी आदिवासी दिवस मनाया और बाबा की सभा में उमड़ा जनसैलाब देख हर किसी की नींदें उड़ गईं। इस दौरान बाबा ने गहलोत सरकार पर जमकर सियासी एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। बाबा ने कहा, 72 साल की उम्र में मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया, मुझे चाहे गोली मार देते, जहर दे देते, मैं ले लेता। साथ ही बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों पर भी जमकर निशाना साधा। जानकारी के मुताबिक बाबा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में पंचायत राज विभाग में सपोटरा वाले मंत्री रमेश मीणा, चिकित्सा विभाग में मेरे मामा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कमल का नाम तो आपने सुना ही होगा, पोषाहार योजना में खुली लूट हो रही है, कांग्रेस शासन में मंत्रियों और अफसरों ने जिस तरह की लूट मचाई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो मैं आपके लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ, इस बात की घोषणा आंदोलन की है। मैंने मेरे पीएसए कहकर लिस्ट बनाई, अब तक 617 आंदोलन हो गए, 17 बार जेल गए तो टोटल 19 महीने जेल में रहा, 28 बार गिरफ्तार हुआ, 136 मुकदमे लग गए। ये पुलिस वाले लगा देते हैं। अभी कालू राम जी पूछ रहे थे साहब क्या करने वाले हैं, मैंने कि जो करेंगे आप मुकदमा लगाओ, तो आपका काम मुकदमा लगाना है, मेरा काम आपको झटका मारना। 136 मुकदमे लगे, लेकिन 2 मुकदमे ऐसे लगाए, एक भौवा का भोंगी एमएलए है आप जानते हो, एक सपोर्टर का लुटेरा है, अगर वो मेरे को गोली मार देते मरना पसंद था, अगर मेरे को झेल दे देते मरना पसंद था, लेकिन 70 साल की उम्र में उन दोनों लुटेरों ने मेरे पे दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन सांस को आँच नहीं आती, कितनी सरकार के खिलाफ हो, कितना ही मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, कितनी पुलिस के खिलाफ हो, मैंने पुलिस को कह दिया था कि पुलिस के हाथ में ऐसी हथकड़ी कोई नहीं है। जो बलात्कार के मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल के हाथ में डाल दे, गहलोत साहब आपके चमचों ने, दोनों ही आपके चमचे हैं, आपकी सरकार बचाने का काम किया है, खूब लूटा है, दोनों तरफ से लूटा है, गहलोत को भी लूटा है दोनों ने। देखना, मैं चुनौती देकर करके जा रहा हूं, अगर कोई कानून को तोड़ने का काम किया हो तो गहलोत साहब आपको चुनौती है, आपके पुलिस की हथकड़ियों में दम है, तो मैं कलेक्टर के बंगले पे या कलेक्टर जाऊंगा, आप हथकड़ी लगवा देना, आपकी माई ने दूध पिलाया। साथ ही बाबा कहते हैं कि मैंने 600 से अधिक धरना प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं, जिसमें 136 केस मुझ पर लगे हैं, लेकिन इन 136 केस में 2 केस एक महुआ का ढोंगी और दूसरा सपोटरा का बड़ा लुटेरा ने मुझ पर लगाया। 72 साल की उम्र में मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया, मुझे चाहे गोली दे देते, जहर दे देते, मैं ले लेता, लेकिन सांच को आँच नहीं आती। कितनी ही सरकार खिलाफ हो, कितना ही मुख्यमंत्री खिलाफ हो, चाहे कितनी ही पुलिस मेरे खिलाफ हो, मैंने पुलिस को कह दिया, पुलिस के हाथों में ऐसी कोई हथकड़ी नहीं जो बलात्कार के मामले में किरोड़ी लाल मीणा के हाथ में हथकड़ी डाल दे। गहलोत साहब, आपके चमचों ने खूब लूटा है,
दोनों तरफ से लूटा है, अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करो। साथ ही बाबा चेतावनी देते हैं कि मेरे किसी कार्यकर्ता को हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगा। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।